कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तब भी हारेंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनका पूरा खानदान चुनाव लड़ रहा था वहां से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग खड़ी हुई हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी निशाना साधा। चिराग पासवान ने भी तंज कसा, कहा कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद कभी नहीं गए। रायबरेली की जनता यह देखेगी कि क्या वहां से वह चुनाव हारने के बाद फिर नहीं कभी आएंगे। ऐसे लोगों को वहां की जनता साथ नहीं देगी। दलित के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की धी की किए हैं चिराग प्रसाद को। 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे, ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहां की जनता कम से कम साथ देगी।